मार्केट में लॉस होने का डर कैसे खत्म करें। जी हाँ गाइस, कई बार ऐसा होता है कि नए नए जो ऑप्शन ट्रेडर्स है, ऑप्शन बायर्स है, वो लोग मार्केट में आते ही 10-15 दिनों में, 1-1.5 महीने में, 2-3 महीने में इतना ज्यादा लॉस कर देते हैं, फिर मार्केट में मतलब अपॉर्चुनिटी देखने के बावजूद भी वो ट्रेड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अंदर इतना डर बैठ जाता है कि वो अपने आंखों के सामने से अपॉर्चुनिटी निकलते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड लेने से घबराते हैं कि अगर रिवर्स हो गया तो क्या होगा, रिवर्स हो गया तो लॉस कर देंगे। तो ये डर कैसे खत्म करें। जी हाँ गाइस, एक ऑप्शन बायर जो नए नए ट्रेडर जो मार्केट में आते हैं, वो उनके कुछ ऐसे चीजें, उनके कुछ ऐसे काम जिस पे अगर वो खुद अमल करे ना, तो वो अपने डर को निकाल सकता है मन से और अच्छा खासा रोज प्रॉफिट के साथ, रोज अपना मार्केट डे प्रॉफिट में क्लोज कर सकता है। जी हाँ गाइस, सबसे पहले एक नए ऑप्शन बायर को, नए ट्रेडर को एक काम हमेशा करना है कि लॉट साइज को कम रखना है। लॉट साइज जितना बड़ा होगे शुरुआत में ही, 1-2 महीने में भी, मतलब 6 महीने से पहले तो आपको लॉट साइज बड़ा रखना ही नहीं है। लॉट साइज बड़ा रखोगे तो लॉस भी बहुत ज़्यादा दिखाएंगे और प्रॉफिट भी अगर कई कबार मिलता है तो वो भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन शुरुआती टाइम में अगर लॉस बड़ा बड़ा दिखाएंगे तो डर बहुत ज़्यादा बैठ जाता है मन के अंदर कि ये ट्रेड मेरा पूरा पैसा ना साफ कर दे, जिसके वजह से जब जैसे ही 2-3 हज़ार का लॉस दिखाने लगते हैं तो एग्जिट कर लेते हैं मार्केट में, और ऐसा करके करके ओवर ट्रेड हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो हर दिन लॉस में रहते हैं। तो लॉट साइज कम रखना, ये हमेशा ध्यान में रखना, लॉट साइज शुरुआत के टाइम में हमेशा कम रखना। सेकेंड ये है, अगर आपको 1-2 ट्रेड में कम लॉट से मतलब 1-2-3 लॉट से अगर अच्छा प्रॉफिट, मतलब मिनिमम 400-500, 600-700, 1000-1500 मार्केट के हिसाब से अगर मार्केट अच्छा मूव करे तो 1000-1500 तक का प्रॉफिट जितना भी मिले, प्रॉफिट मिलने के बाद अगर उस प्रॉफिट को अगर बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसे लेने के लिए ट्रेड पे ट्रेड करता रहेगा, ओवर ट्रेड, मेरा कहने का मतलब है ओवर ट्रेड अगर करता रहेगा तो वो पैसा जाना ही जाना है, क्योंकि मार्केट में जो प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी है वो 2-3 ट्रेड में मिलता है। मतलब मार्केट ओपन होते ही कई कबार 1-2 मिल जाते हैं अपॉर्चुनिटी, फिर 11-12 बजे के बाद बीच में एक बार मिल जाते हैं। मार्केट कभी कभार ही आपके हिसाब से मूव करता है, आप सोचते हो कि इस बार डाउन साइड की जाएगा और उस टाइम में कैंडल भी कुछ ऐसा बनता है और उस टाइम पे अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो मार्केट जाता है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के जाता है, लेकिन वैसे ही कुछ टाइम मार्केट मूव करने के बाद फिर साइडवेज हो जाते हैं, प्रीमियम डीके होने लगते हैं और आप जो प्रॉफिट किए हो ना वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट होने लगते हैं, क्योंकि आप शुरुआत में प्रॉफिट तो कर लिए लेकिन और ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में बार बार ट्रेड ले रहे हो, बार बार हर कैंडल में ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो ऐसे में आप लॉस कर दोगे। तो लॉस प्रॉफिट जितना भी बनता है, प्रॉफिट को लेके मार्केट से उस दिन के लिए निकलना सबसे बेस्ट होता है, और डेली आप चार्ट पे बैठो, मार्केट में बैठो, लेकिन प्रॉफिट जितना भी बनते हैं 1-2-3 ट्रेड में उससे लेकर आपको निकलना है। ऐसा नहीं करना है कि प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और करते हैं और करते हैं, ऐसा करोगे तो लॉस ही होगा। अगर लॉस वाले दिन भी अगर 1-2 ट्रेड में लॉस हो जाते हैं तो उस दिन भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ट्रेड, तीसरे ट्रेड में आप उसे कवर करके और ज़्यादा ले लोगे मार्केट से और ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे। ऐसा हो सकता है जिस दिन अगर मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, पूरा दिन ही मार्केट अच्छा मूव किया, आपको 4-5 अपॉर्चुनिटी दिखा मार्केट में, उस दिन अगर आप चाहे तो ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 1-2 बार अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखने के बाद फिर साइडवेज अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जिस दिन आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखे, थोड़ा बहुत आपको 2-3 ट्रेड में ही प्रॉफिट लेके आपको निकल लेना है। और एक और चीज़ जो लोग, मतलब नए ऑप्शन ट्रेडर्स, नए ऑप्शन बायर्स हमेशा से करते हैं, अगर उन्होंने 1-2-3 ट्रेड में अगर उन्होंने लॉस कर दिया ना, तो भाई उसको रिकवर करने के चक्कर में, गुस्से में आके भाई, इमोशन में बह के ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं, हर एक कैंडल में ट्रेड दिखते हैं उनको, हर एक कैंडल में ले लेते हैं, कैसा भी कैंडल बनता है उसी कैंडल को देख कर ही वो ट्रेड ले लेते हैं, ग्रीन कैंडल को देख के कॉल ले लेते हैं, रेड कैंडल देख के पुट ले लेते हैं, लेकिन वैसे जगह पे मार्केट साइडवेज होके रह जाते हैं और वैसे जगह पे वैसे ही वो हर ट्रेड में ब्रोकरेज से लेकर हर ट्रेड में 100, 200, 300, 500 का छोटे छोटे लॉट में लॉस पे लॉस करते रहते हैं और ओवरऑल मार्केट में उस दिन वो 2-4 हज़ार के लॉस में बैठ जाते हैं। अगर छोटे ट्रेडर्स इतने ज़्यादा अगर लॉस में बैठेंगे तो ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाओगे, इसीलिए
लॉस भी छोटा छोटा करो, अगर शुरुआती एक दो तीन ट्रेड में अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो निकल लो, अगर एक दो ट्रेड में लॉस हो जाते तब भी निकल लो। उस दिन ये सोच लेना कि आज मेरा दिन है ही नहीं, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं ले सकता, कल मेरा दिन आएगा, कल मैं बड़ा प्रॉफिट लूँगा। तो उस दिन अपॉर्चुनिटी दिख के एक या दो लॉट में एक बड़ा सा ट्रेड लेके बैठ जाना, थोड़ा देर होल्ड करना, 100-200 पॉइंट आराम से आप लेके निकल सकते हो मार्केट से। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट में काम करोगे तो मैक्सिमम दे आपका जो नॉलेज आपको 6-7 महीने एक साल में बनने वाला है वो आपको 2-3 महीने में ही अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, अच्छा आपकी साइकोलॉजी काम करेगा, आपका इमोशन काम करेगा, आप इस हिसाब से मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप कि मैंने इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लास्ट तक वीडियो देखा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।